सामने पेश करना चाहता हूं। हम महाराष्ट्र की भूमि पर खड़े हैं और मराठी यहां बोली ना जाए हो नहीं सकता। मैं इस शेर के साथ दावा देता हूं, मराठी शेर मेरी भाषा मराठी है, कि तलवार कर तू तुआची ढाल सिद्धी चा पाई जे, तलवार कर तू तुआची ढाल सिद्धी चा पाई जे, प्रयत्नांचा पराकाष्ठे ने होत गेला हा निरा, या नभाचा रंग आदि शिविर अपना पाहिजे चंद्रशेखर आजाद से। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। एक ये चीटिंग की है भाई ने भी, जो शायरी कही है वो मराठी में और मुझे समझ नहीं आई हो। अब अपने लोगों के साथ ऐसे धोखा नहीं करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सब लोग को मुबारकबाद देता हूँ कि सी ए एन पी आर एन आर सी के और पूरे देश में बंद हुआ, शांति प्रिय बंद हुआ, कहीं भी कोई आम आदमी को या और कोई परेशानी नहीं हुई, कोई वॉयलेंस नहीं हुआ। तो ये इस मुल्क के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है कि हमें विरोध भी करना है और दूसरे की स्वतंत्रता का ख्याल भी रखना है। इसलिए बहुत बहुत मुबारकबाद आप सब लोगों के, हमारी आवाज़ जो है आज पूरी दुनिया ने सुनी। मैं महाराष्ट्र में हूँ, कल हम लोग नागपुर में थे, कहा जा रहा था तिरंगा नहीं फहराया जाएगा, बहुत दिक्कत होगी। तो सीधी बात यह कि डरते बढ़ते तुम किससे है नहीं भैया, देखो तो बात जान। हम डरते हैं तो गुनाह करने से, किसी को सताने से, किसी के अधिकार छीनने से, इस देश के इस कॉन्स्टिट्यूशन से, इसके खिलाफ नहीं जाते। बाकी जालिम चाहे कितना ताकतवर हो, उससे डरने का मतलब नहीं बनता। तो समय की पाबंदी है, मैं आप सब हजरात से माफी चाहता हूं, पूरी जमहूरियत से, कि मुझे जाना पड़ेगा, मुझे लौटना एक और जगह मेरी जरूरत है। फिर क्योंकि भारत बंद है, मेरे ऊपर जिम्मेदारी है जहां जहां प्रोटेस्ट चल रहे हैं उनकी सुरक्षा की और वहां सब कुछ जो चल रहा है उनकी जानकारियों की। अभी भी एक घटना हुई है, खबर आई कि हमारे कुछ कार्यकर्ताओं के साथ जो है उनकी गाड़ी वाड़ी अभी तोड़ी गई है दिल्ली में। तो ये तरह तरह के प्रयास कर रहे हैं कि हमारे आंदोलन को हिंसक कर दें, उसमें वॉयलेंस पैदा कर दें, जिससे कि हमारी आंदोलन की पहचान खराब हो। लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा। हम अपने मुल्क को बचाने निकले हैं, हम अपनी नागरिकता को बचाने निकले हैं, हम अपने अधिकारों को बचाने निकले हैं, इसके लिए हम कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हैं। तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिम्बल पढ़ूंगा और वो जो शख्सियत ये बैठी हुई है इस टेंट के नीचे, ये हमारी माताएं बहनें, हमारे छोटे बच्चे, हमारी छोटी बच्चियां, ये एक छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा बच्चा है जो यहां बैठा हुआ है, इसके शरीर पे जो लिखा हुआ है वो इस मुल्क के हर व्यक्ति को पता लग गया है। ऐसा आंदोलन कभी नहीं हुआ जैसा साइनबाग से लेके और एनआरसी सीए एनपीआर के खिलाफ हो रहा है। तो मैं तकरीर के तौर पे तो सिर्फ इतना ही करूंगा कि मुझे एक बहुत जरूरी बात आपसे शेयर करनी है और चाहता हूं आप उसे सुने। लेकिन सबसे पहले हम संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे और मैं चाहता हूं इसमें आप मेरी मदद करें, आप भी इसको दोहराएं। हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उन सब में उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज दिनांक
23 फरवरी 2020 को ये संकल्प लेते हैं कि जब तक मुल्क से CAA NPR NRC जैसे काले कानून वापस नहीं होते, जब तक SC ST OBC और माइनॉरिटी के अधिकार छीनने की सरकार की साजिशें नाकामयाब नहीं होती और हमारे इतने प्यारे मुल्क के इतने प्यारे संविधान की सुरक्षा का भी हम संकल्प लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बहुत जरूरी बात, देखिए ये बात इसलिए कहनी पड़ रही है कि एक सामाजिक ईमानदारी की बीमारी लगी अपने लोगों के लिए, उसे मैं नहीं छोड़ सकता हूं। गलत करने वाला कोई हो, चाहे मेरा सगा भाई भी हो, मैं उसके खिलाफ भी बोलूंगा। ये सिद्धांत है जो बाबा साहब अंबेडकर की मूवमेंट को पढ़ के ग्रहण किए गए हैं, इनसे कोई समझौता नहीं हो सकता है। सब लोग जानते हैं CAA ये काला कानून इस मुल्क को तोड़ने के लिए है, इस मुल्क में रहने वाले अमन पसंद लोगों के भाईचारे को खत्म करने के लिए है, बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 और 15 के खिलाफ है, संविधान को ताक पे रख के कानून बनाया गया है। धर्म के आधार पे इस देश में कोई कानून नहीं बनेगा क्योंकि ये सेकुलर मुल्क है। तो ये भी मुझे पता है कि 2003 के सिटीजनशिप के रूल, 2003 में भाजपा की सरकार थी तो जो बनाए गए रूल नंबर 4 ये कहता है कि हम पूरे देश में NRC करेंगे। बड़े गौर से सुनना, और NRC के आंकड़े NPR से इकट्ठा करेंगे। आज जाके पढ़ रहे 2003 में भाजपा की गवर्नमेंट में सिटीजनशिप के रूल बने, रूल नंबर 4 का तीसरा पैरा है कहता है कि हम पूरे देश में NRC करेंगे और NRC का जो डाटा है वो NPR से इकट्ठा करेंगे। वहीं रूल नंबर 4 का चौथा पैरा कहता है NPR से जो डाटा इकट्ठा उसको हम वेरीफाई करेंगे, एग्जामिन करेंगे और फिर उससे NRC करेंगे। NRC और CA एक पूरी कड़ी है। अगर कोई ये कहे कि हम NPR करा रहे हैं इससे कोई खतरा नहीं होगा तो मैं इस बात पे समझौता नहीं करूंगा बिल्कुल। और मैं ये सच आपको भी बता दे रहा हूं, NPR से NRC होगी और NRC से छटनी होगी जो इस मुल्क में भाजपा के खिलाफ है। SC ST OBC और माइनॉरिटी और मुसलमान भाई, उनके वोट का अधिकार छीन के उन्हें इस देश में गुलाम बनाने के लिए संविधान खत्म करके मनुस्मृति लागू करने का प्रक्रिया चल रही है। हम इसे स्वीकार नहीं करते, इसलिए आज हमारा बंद था और पूरे देश में हो रहा है। पूरे देश को इस बात पर गर्व करना चाहिए कि जब कुछ लोग इस देश की एकता को तोड़ रहे हैं तो पूरा मुल्क एक साथ खड़े होकर इस मुल्क इस आंदोलन कर रहा है। तो NPR रुकना है, तो मैं यहां की सरकार से भी मीडिया के साथ ही है, मैं ये निवेदन कर रहा हूं पहली बार में तो कि धोखा नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा धोखा, NPR नहीं होगा। और अगर फिर भी आपसे ऐसी उम्मीदें में नहीं है, लेकिन अगर आप उसके बावजूद भी आप देश के वजीर आजम और देश के गृह मंत्री की तरफ बयान देके कहते हैं कि हम एक कदम पीछे नहीं हटेंगे तो ये जनता है, फिर इसका सामना आपको भी करना पड़ेगा, याद रखना इस बात। एक और बहुत जरूरी बात, ये रोकने की ताकत स्टेट गवर्नमेंट पर है, ये झूठ कर रही है, बिल्कुल साफ है, समझ रहे हैं? NPR रोकने की ताकत सरकार के पास है, राज्य सरकार के पास, ठीक है। तो कोई ये कहे कि हम मजबूर है, ये नहीं चलेगा, वो किसी की सरकार हो, चाहे मिली जुली हो और चाहे सिंगल वाले हो, समझ रहे हो? ये सबके ये झूठ नहीं चलेगा बिल्कुल भी कि सरकार दबाव बना करा रही है। बड़ी ताकत बताए किस पे?
बताओ किस पे है, किसी को पता? जनता पे, हमारे लोगों पे, हमारी बहनों पे, हमारे बुजुर्गों पे, हमारे बच्चों पे। अगर हम तय कर ले कि हम एनपीआर का डाटा नहीं देंगे तो कोई भी गवर्नमेंट हमसे जबरदस्ती नहीं कर सकती, चाहे किसी की गवर्नमेंट। इसलिए एनपीआर नहीं होने देना है, जो कहे उसको भी बता देना कि चाय पियो, जो अधिकारी कर्मचारी डाटा मांगने आए उसको खाना भी खिलाना, जैसे मुझे भी खिलाया कुछ साथियों ने अभी यहां, लेकिन एक भी जवाब उनको नहीं देना है। ये वादा करो दोनों हाथ उठा के मुझसे कि एनपीआर नहीं होने दोगे, एनपीआर नहीं होने दोगे, एनपीआर नहीं होने दोगे। ठीक है, अभी आपकी जिम्मेदारी, हम आपके बीच से जाने की जांच चाहते हैं, लेकिन पूरे देश में बंद है, औरंगाबाद में बंद नजर नहीं आ रहा है। अब इस पे नाराजगी तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, जब पूरे देश में बंद है, क्या औरंगाबाद के लोग हमसे प्यार नहीं करते? करते हैं ना। कुछ देर आप भी अपना विरोध दर्ज कराओ, तब तो कुछ और बात आगे बढ़े। ठीक है, हाँ अगर बंद करके आया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि प्यार बढ़ता रहना चाहिए, सरकार को पता रहना चाहिए कि हम जागरूक लोग हैं। तो मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस एक दरखास्त ये है कि जो लोग यहाँ आयोजक कमेटी के लोग हैं, जो इसे चला रहे हैं, जो बहनें हमारी, माताएं हमारी, बच्चियां हमारी, चाचियां दादियां बैठी हैं, उनकी सुरक्षा की, उनके खाने पीने की, और जो आयोजक कमेटी उनके हौसले बढ़ाने की, हमेशा मेरी दरखास्त है कि इसमें आप मदद करते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए।